नमस्कार, आइए बात करते हैं आज के अखबारों की। देहरादून में जो खास है आज के अखबारों में, प्रेशर पॉलिटिक्स उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। हरक सिंह रावत बीजेपी को घेरना चाह रहे थे और बीजेपी की सरकार ने हरक सिंह रावत को घेर लिया है और हरक सिंह रावत इतने बेचैन हो गए तो उन्होंने कहा है कि जो कर रहे उसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। इसके साथ ही जो आज के अखबारों की सबसे पहले लीड की अगर हम बात करें तो लीड तो सारे अखबारों में, तीनों अखबारों में, दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री की देश को मिलेगी गति और शक्ति। लेकिन इससे पहले एक और बात है, जो उमेश काऊ है, विधायक है, आजकल बहुत चर्चा में है और उन्होंने एक और बम फोड़ा है और वो बम बहुत चर्चा में आ गया है और उससे बीजेपी भी थोड़ा सा असहज हो रही है। और खास बात एक और है आज के अखबारों की कि जो हरीश रावत है वे बैकफुट पे आ गए हैं और हरीश रावत जैसे कद के नेता का उत्तराखंड की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में बैकफुट पर आना और प्रीतम सिंह का हावी हो जाना और दोनों का आमने सामने आके खड़े हो जाना, ये एक बात भी है। वो बात इसलिए है क्योंकि विपक्ष मजबूत होना चाहिए और विपक्ष धाराशाही चुनाव से पहले ही होता दिख रहा है, आपस में ही लड़ता दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री की खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री की खबर यह है। और इसके अलावा एक और बात मैं कह दूं, बात शुरू करने से पहले, आज के अखबारों में एक और बड़ी खबर है और वो बड़ी खबर है एनके शर्मा को लेकर केस दर्ज हुआ है। एक अफसर पर इस तरह का केस दर्ज हो रहा है, उन्होंने निजी हित में पैसा लगाया, क्या पैसा लगाया उस पर भी बात करेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की नई योजना की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री की योजना को लेकर जो खबर आज अखबार में छपी है, थोड़ी सी मैं पढ़ देता हूँ। अगले 2.5 दशक में देश का बुनियादी ढांचा पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। प्रगति मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 16 लाख करोड़ रुपये का गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का शुभारम्भ किया। इस मास्टर प्लान के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे, 16 मंत्रालय इसमें एक साथ जोड़े जाएंगे और ये जो परियोजनाएं हैं उनका रियल टाइम डेटा, रियल टाइम एनालिसिस सैटेलाइट से नज़र रखी जाएगी। तमाम इसमें बड़ी बातें हैं जो आज की तकनीक के हिसाब से होनी चाहिए। अब एक बात बताइए राजेश जी, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेशर पॉलिटिक्स की, तो प्रेशर पॉलिटिक्स जो यानी कि दबाव की जो राजनीति है वो कितनी सही है? दबाव की राजनीति तो सर नेताओं के लिए तो सही है, जनता का इससे कोई मतलब नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि कल जो हमने चर्चा की थी उसमें हमने ये बताया था कि हरक सिंह रावत के जो बयान आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि 30 विधायक मेरे पास हैं, 30 क्षेत्रों पे मेरा दबदबा है, यही बात हो रही थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो है वो उन्होंने मदन कौशिक से भी बात की थी। अब ये बात क्या हुई इसका खुलासा अखबारों ने नहीं किया है और ये भी इसको भी प्रेशर पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात और है, मदन कौशिक से मिलने के बाद एक बड़ी घटना सामने आई है, एक बड़ी खबर सामने आई है। और खबर क्या है? खबर ये है कि कर्मकार बोर्ड के पूर्व सचिव समेत 4 को चार्जशीट। और इस चार्जशीट से हरक सिंह रावत इतना क्यों नाराज हो गए हैं, नाराज होने की भी वजह पे हम बात करेंगे। पहले मैं एक खबर पढ़ देता हूं। ये खबर ये है कि कर्मकार कल्याण बोर्ड मामले में सरकार ने बोर्ड की पूर्व सचिव देवंती रावत समेत 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। कार्रवाई कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को 20 करोड़ रुपए जारी किए जाने के मामले में हुई। कर्मकार बोर्ड से सीधे ही 20 करोड़ का बजट कार्यदायी संस्था को जारी कर दिया गया था, जबकि करार कर्मकार बोर्ड और ईएसआई के बीच हुआ था। इस ईएसआई को बतौर ऋण ये पैसा कर्मकार बोर्ड ने देना था। इसके बाद ईएसआई ने मेडिकल कॉलेज का काम करने के लिए यह पैसा कार्यदायी संस्था को जारी करना था। लेकिन इस मामले में कर्मकार बोर्ड ने सीधा ही पैसा कार्यदायी संस्था को जारी कर दिया। ईएसआई के उच्च अफसरों को भी अंधेरे में रखा गया, ऐसा जाँच के दौरान अपने लिखित जवाब में ईएसआई के अफसरों ने लिखा है। इस पूरे प्रकरण को कि उच्च स्तरीय जांच की गई है और यानी कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा जिसको दिया जाना था उसको उसकी बजाय उसको बाईपास किया गया, सीधे के सीधे कार्यदायी संस्था को दे दिया गया। अब इसमें ये तो लीगल नहीं था ना सर, ये इलीगल काम था और इलीगल काम पर हरक सिंह की नाराजगी तो का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हरक सिंह, मैं आपको सुनाता हूं, हिंदुस्तान ने 11 नंबर पेज पर इस खबर से जुड़ी एक पूरी डिटेल खबर छापी है और हरक सिंह क्या कह रहे हैं सुनना बहुत जरूरी है। श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि इस पूरे मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, जो पैसा जारी किया गया था वो पूरा का पूरा वापस आ गया है। बचकानी बात है सर, बचकानी बात है। एक आप गलती कर रहे हैं और गलती करने के बाद फिर आप रिवर्ट चले आ रहे हैं, तो रिवर्ट चले आने का मतलब ये कोई है कि आपकी गलती छिप जाएगी।
यानी आप समझिए कि भ्रष्टाचार किया गया और भ्रष्टाचार उजागर हो गया तो पैसा वापस मांग लिया गया, वापस ले लिया गया। मानिए, मान लीजिए ये भ्रष्टाचार उजागर ही नहीं होता तो पैसा वापस आता? पैसा वापस नहीं आता सर, उसमें कुछ और भी जो मनसाएं थी वो पूरी होती। प्रीतम सिंह और हरीश रावत में क्या जुबानी जंग शुरू हो गई है और हरीश रावत क्यों नरम पड़ रहे हैं, झुक रहे हैं? उनकी मजबूरी हो गई है या कोई रणनीति का हिस्सा है? लेकिन इससे पहले ये खबर जानना बहुत जरूरी है। समाज कल्याण सहायक निदेशक एन के शर्मा पर मुकदमे का आदेश हो गया है। अब मुकदमे का आदेश क्या हुआ है मैं खबर पढ़ता हूँ। सरकारी भूमि को खुर्द बुर्द करने के साथ विभिन्न योजनाओं में घपला करने के मामले में समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक एन के शर्मा पर एक और मुकदमा दर्ज होगा। विभाग के संयुक्त सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने विजिलेंस की जांच के आधार पर देहरादून के समाज कल्याण अधिकारी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। एन के शर्मा ने साल 2006 से 8 के बीच देहरादून में समाज कल्याण अधिकारी के पद पर रहते हुए सरकारी भूमि खुर्द बुर्द करने व अन्य योजनाओं में घपला करने का आरोप है। इस पर दैनिक जागरण में यह खबर छपी है, दैनिक जागरण की मैं खबर पढ़ रहा था। दैनिक जागरण ने पेज नंबर 7 पर भी इस पे अंदर खबर दी है और उस खबर का जो हेडिंग लगाया है वो मैं केवल हेडिंग पढ़ देता हूँ। एन के शर्मा ने SC ST का पैसा निजी हित में लगाया। ये बहुत गंभीर बात है, ये कलंक कथाएं हैं उत्तराखंड की। और इन कलंक कथाओं से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हरीश रावत पर। आप ये बताइए अखबारों में क्या छपा है उस पर हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन क्या आपने अखबार पूरे पढ़े हैं और आज की जो मीडिया में खबरें चल रही है वो भी देखे? क्या हरीश रावत प्रेशर में आ गए, प्रेशर पॉलिटिक्स करते करते? सर कहते हैं कि शेर को सवा शेर मिल जाता है, अक्सर ये कहा जाता है, और अब हरीश रावत खुद में घिरे हुए पा रहे हैं, दूसरों को घेरते घेरते खुद घिर गए हरीश रावत। हरीश रावत ने जो है अपने प्रतिद्वंदियों की संख्या ना बढ़े उनके कांग्रेस में, इसलिए उन्होंने कहा कि अब पापियों को जो है बिना माफी एंट्री नहीं मिलेगी, ये बात उन्होंने कही थी। पर आज का बयान थोड़ा सा वो थोड़ा सा नरम दिखाई दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि साहब जो लोग जो हैं इनोसेंस, जो लोग ना समझी में चले गए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीन लोगों को वो चिन्हित कर रहे हैं कि ये तीन लोग जो हैं कांग्रेस में एंट्री ना कर पाए। और वो तीन नाम कौन है सब जानते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि सर जो लोग हरीश रावत की गंगा में नहा लेंगे वो पापी नहीं होंगे। हरीश रावत को ये लग रहा है कि जो लोग मेरे पक्ष के हैं वो पापी नहीं है, जो मेरे पक्ष के नहीं है जिनको जो लगता है कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद जिनसे मैं थोड़ा सा ढीला पड़ जाऊंगा, मतलब जो मेरे खिलाफ रहेंगे वो महापापी हैं, लेकिन बाकी इनोसेंट है। तो यहाँ क्या है कि पापी की भी परिभाषा आदमी के साथ बदल रही है। आप समझिए क्या कह रहे हैं हरीश रावत कह रहे हैं। हरीश रावत ने स्पष्ट किया है कि 2016 में कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश रचने वाले मुख्य साजिशकर्ताओं की पार्टी में वापसी उन्हें स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसे नेताओं से उन्हें कोई सहानुभूति नहीं है। उन्होंने नाम लिए बगैर कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए तीन बड़े नेताओं की वापसी की अटकलों पर भी विराम लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्य साजिशकर्ताओं के बहकावे में आकर पीछे चलने की मजबूरी और नासमझी में पार्टी छोड़ने वाले विधायकों की घर वापसी पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें इनोसेंट करार दिया है। रावत ने जो ये इनोसेंट, अब हरीश रावत अपने बयान में ये भी क्लियर कर देते हैं कि इनोसेंट कौन है और पापी और महापापी कौन है। और एक और चीज बताओ, ये बिल्कुल जो राजेश जी कह रहे हैं, अब इन दोनों के बयान पढ़िए प्रीतम सिंह ने क्या कहा। प्रीतम सिंह ने जो कहा है उससे क्लियर होगा कि कांग्रेस में क्या चल रहा है, कांग्रेस खुद के झगड़े कैसे निपटाएगी, कैसे बीजेपी से लड़ेगी। अब प्रीतम सिंह ने कहा है, ये जो मैं पढ़ रहा था अभी, जो मैंने पढ़ा दैनिक जागरण से पढ़ा और अमर उजाला ने एक खबर लगाई है कि बागियों की वापसी के सवाल पर बटी कांग्रेस, एक गुट बिना शर्त एंट्री के पक्ष में, दूसरे गुट के नेता ने बनाया नाक का सवाल। और ये कोई हवा में लिखी हुई बात नहीं है, क्योंकि दोनों के बयान इसमें शामिल है। अब बयान में क्या है, कांग्रेस पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, कौन आएगा और कौन नहीं यह तय करने का अधिकार पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को है। शीर्ष नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में जो भी निर्णय लेगा वह मुझे मंजूर होगा। ये प्रीतम सिंह कह रहे हैं। और हरीश रावत क्या कह रहे हैं, हरीश रावत कह रहे हैं कि कांग्रेस में यदि राजनीतिक रूप से रिवर्स प्लान की स्थिति आ रही है तो इसका श्रेय हमारे उन नेताओं और कार्यकर्ताओं साथियों को जाता है जिन्होंने 4.5 साल के निरंतर संघर्ष के बाद श्री गणेशाय नमे किया है। अब कांग्रेस स्थिति में आ गई है कि लोग कांग्रेस में शामिल होने की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता साथियों को थोड़ा और जोर लगाना होगा, हम सत्ता में केवल एक कदम दूर है। यानी कि हरीश रावत अब जो खुद फंस गए थे वो जो गेंद है वो कार्यकर्ताओं के पाले में फेंक रहे हैं। अब सर सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस इस समय जो है चुनावी मोड में है और उत्तराखंड में इलेक्शन 2022 में होने वाला है,
पर यहाँ तो कांग्रेस में ही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि हमें करना क्या है, चुनाव की रणनीति उनकी कोई सामने नहीं आ रही। और चुनाव सही सही सी बात है, एक रणनीति तो बनाए किसको लेना है किसको नहीं लेना है, और इस पर बात करेंगे। एक खबर बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि हरीश रावत ने अपनी अलग कांग्रेस स्थापित कर दी है और प्रीतम सिंह गोड़ ने अपनी अलग कांग्रेस स्थापित कर दी है। अब हरक सिंह ने कहा है कि हमने कोई एप्लीकेशन कोई दे रखी है। अच्छा, दैनिक जागरण ने पेज नंबर 13 पर एक खबर छापी है, ये जो खबर है वो विधायक काऊ के बयान से, उन्होंने एक बहुत सनसनीखेज बात कही है और खुद की अहमियत भी साबित की है। खुद की अहमियत वहां साबित करने का प्रयास किया जाता है जहां फंसे हुए होते हैं। अगर काऊ तो खुद को कह रहे हैं कि मैं भी भाजपा का जो है संकट मोचक हूं। अब संकट मोचक कांग्रेस की दहलीज पर क्या कर रहा था, ये सवाल तो बनता है। ये बिल्कुल ये सवाल बनता है कि अगर ये बीजेपी के संकट मोचक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो यशपाल आर्य को समझाते समझाते वो कांग्रेस के दफ्तर तक पहुंच गए हूं, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है यशपाल आर्य को समझाते समझते समझाते खुद ही समझ गए हो और बाद में समझ पलटी हो और समझ समझ कर वो भाग गए हो। अब हम इस खबर पर बात करते हैं, विधायक काऊ ने क्या कहा है। ये दैनिक जागरण में छपी है, इसकी जो हेडिंग है 13 नंबर पेज पे, 3 विधायक नहीं लेना चाहते थे मंत्री पद की शपथ, काऊ ने कहा नेतृत्व के कहने पर निभाई मध्यस्थ की भूमिका, विधायक काऊ बोले मैं तो भाजपा का संकट मोचक। मैं एक खबर पढ़ देता हूँ, बहुत दिलचस्प है, देखिए क्या क्या कह रहे हो। भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ ने गत जुलाई में सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के दौरान 3 विधायकों हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज और यशपाल आर्य की नाराजगी और शपथ ग्रहण ने करने पर अड़ने की बात सार्वजनिक कर दी, जिससे अब तक भाजपा इनकार करती आ रही है। मार्च 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के नेतृत्व में 9 विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। बकौल काऊ तब उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व के कहने पर मध्यस्थ की भूमिका निभाई और राष्ट्रीय नेतृत्व से तीनों की बात कराई, परिणाम स्वरूप मसला सुलझा और तीनों ने मंत्री पद की शपथ ली। साथ ही उनके मंत्रालयों में भी इजाफा हुआ, यानी कि जो मंत्रालयों में इजाफा हुआ इनको जो महत्वपूर्ण विभाग दिए गए वो काऊ कह रहे हैं कि मैंने सुझाव दिया, मैंने मध्यस्थता की तब हुई है। तो आप ये बताइए कि काऊ ये तो उसी समय आया था कि मंत्री जो जो बागी है वो शपथ लेना नहीं चाहते, तो अब कौन सा नया खुलासा कर रहे हैं। जो उमेश शर्मा काऊ हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं संकट मोचक हूँ, तो संकट मोचक ने तो संकट में डाल दिया, अब आपने वो खुलासा ही कर दिया है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था, तो इसका मतलब हाईकमान से आपके सीधे संबंध है, आप हाईकमान से अपनी बात रख सकते हैं, तो फिर आप संकट में कहाँ हैं, फिर आप क्यों कांग्रेस के दरवाजे पर पहुंच रहे हो। नहीं, इसमें एक और बात है कि संकट मोचक खुद संकट में है, इसीलिए तो वो अपनी कह रहे हैं कि मैंने तो उस समय पर भूमिका निभाई थी साहब, अब क्यों मुझे। अच्छा सर, पीड़ा तो वही गाता है ना जो संकट में होता है। जाहिर सी बात है, पीड़ा वही गाता है। और इसमें एक और बात है, जैसे बागी जितने भी सारे के सारे, क्यों ये माहौल क्यों बन रहा है, हरक सिंह बौखलाए हुए हैं, काऊ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अपनी महत्ता बता रहे हैं, काऊ ये बता रहे हैं कि मैं बीजेपी को लेकर कितना समर्पित हूँ, क्यों बता रहे हैं। आप ये बताइए, जब ये सारे के सारे जो बागी आए थे, जो पहली 17 में सरकार बनी थी, उस समय पर 10 मंत्री बने थे, 10 में 5 तो ये थे। अब सर जो बेर को जो समझ में आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों काऊ का एक हंगामा भी हुआ था, ठीक, और उस समय ये कहा जा रहा था कि काऊ की जो सीट है रायपुर सीट, उस पर किन्हीं और नेता की नज़र है। इसी तरह से हरक सिंह रावत डोईवाला में आने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले से ही विधायक हैं, तो हरक सिंह रावत अपना क्षेत्र बदलना चाह रहे हैं, ठीक। और उधर जो है उमेश शर्मा काऊ को लग रहा है कि रायपुर उनकी एक सबसे मजबूत सीट है, तो वो अपनी सीट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक की जो प्रॉब्लम है वो उसको वो सीट चाहिए जहाँ से मैं मेरा राजनीतिक भविष्य बचा रहे, मैं जीत जाऊँ, और दूसरे की चिंता ये है, बोले यार मैं यहाँ से जीत ही रहा हूँ, क्यों मुझे यहाँ से डिस्टर्ब कर रहे हो। दोनों अनिश्चितता के माहौल में हैं और दोनों अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, जाहिर सी बात है। और चलते चलते एक आखिरी खबर पर चर्चा करते हैं। इस खबर को लेकर बीच में मैं बात करना चाह रहा था लेकिन ध्यान से उतर गई, अभी अखबार सामने आया है। ये बहुत बढ़िया खबर है, राजेश जी कह रहे हैं, हिंदुस्तान ने 7 नंबर पेज पर छापी है। मैं इसका हेडिंग पढ़ देता हूँ और फिर इस पे एक बार चर्चा करते हैं, इस पे चर्चा बहुत जरूरी है। और हम तो कह रहे हैं कि हम नहीं, आप भी चर्चा कीजिएगा। स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे अस्पताल तो मरीज को मिली प्लेटलेट्स। ये मामला क्या है, दून अस्पताल का है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पर फोन किया, उसके बाद ये स्थिति आई, तो आप इस पे बताइए, इस पे चर्चा जरूरी है खबर पर। राजेश, इसमें मेरे को दो चीजें समझ में आती हैं, एक समझ तो मंत्री जी की सक्रियता और दूसरी चीज मंत्री जी का अपने ही विभाग पर, अपने ही विभाग के अधिकारियों पर, अपनी ही चिकित्सा व्यवस्था पर कोई नियंत्रण ना होना, जो मुझे समझ में आ रहा है। मंत्री जी ने बिल्कुल सक्रियता निभाई क्योंकि वो श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से भी हैं और श्रीनगर का ही ये मामला भी है, श्रीनगर की जो महिला है उन्होंने ये बात उठाई है।
मंत्री जी तुरंत पहुंचे, 6 डोनर लेकर पहुंचे, ये बहुत अच्छी बात है, मंत्री जी ने सक्रियता दिखाई। पर इसके उलट अगर हम सोचते हैं तो हम स्वास्थ्य व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था के जो नाकामियां हैं उसको उजागर करती ये खबर है। इस खबर में क्या मंत्री जी के आने की जरूरत थी? क्या इस खबर में किसी महिला को, किसी पीड़ित को मंत्री जी को फोन खटखटाने की मजबूरी थी? नहीं थी ना। अगर वो अधिकारी, अगर वहाँ का स्वास्थ्य विभाग, वहाँ के कर्मचारी तत्परता से उस मरीज की जीवन सुरक्षा का काम करते तो क्या उनको जरूरत पड़ती? तो इसमें हमें इस पहलू पर भी सोचना चाहिए कि अब जो देहरादून की हम बात करते हैं, दूरस्थ क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं देहरादून की बात कर रहा हूँ, जहाँ पूरा सेक्रेटरीट बना हुआ है, जहाँ शासन के बड़े अधिकारी बैठते हैं, जहाँ पर जो है अधिकारी, मंत्री और सब लोग यहीं पर हैं, मुख्यमंत्री भी यहीं हैं। सर, वहाँ अगर ऐसी अव्यवस्था है, शहर के दिल में, शहर के हृदय में अगर ऐसी दिक्कतें हैं, तो दूरस्थ की हम क्या बात करेंगे सर? जाहिर सी बात है। और फिर सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या मंत्री जी हर अस्पताल में डोनर लेकर पहुंच जाएंगे? हर अस्पताल में ब्लड की बोतल लेकर पहुंच जाएंगे? क्या हर अस्पताल में वो जा सकेंगे? ये सिस्टम की बात है। सिस्टम काम करेगा, सब कुछ काम करेगा, और सिस्टम काम नहीं करेगा तो मंत्री जी भी क्या काम करेंगे? और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये चुनाव नज़दीक ना होता तो क्या मंत्री जी पहुंच जाते? ये भी हम कहते हैं कि सर पहुंच भी जाते हैं, चुनाव नज़दीक ना होता तब भी पहुंच जाते हैं। हम तो कह रहे हैं ये मंत्री जी की प्रशंसा की बात नहीं, ये सिस्टम की खामी की बात है, और ये सबसे ज़्यादा खामी को उजागर करती है। मंत्री जी 6 डोनर लेकर पहुंच रहे हैं, ये अच्छी बात है, मंत्री जी ने उसमें सक्रियता दिखाई, लेकिन मंत्री जी को ये भी तो देखना होगा कि हमारे अस्पताल किस व्यवस्था से गुजर रहे हैं, हमारे अस्पतालों में कितनी खामियां हैं, हमारे अस्पतालों में मरीज किन दिक्कतों से होकर गुजर रहे हैं, इस पर भी तो बात करनी है। तो ये थी आज के अखबारों की बात, आज की खबरों की बात, आज की उत्तराखंड की राजनीति की बात। कल फिर इसी तरह अखबारों के साथ, खबरों के साथ और राजनीति की राज के साथ फिर मिलते हैं। मैं योगेश राणा और राजेश पांडे जी, नमस्कार।